नंदी रुको, नंदी नंदी रुको, नंदी नंदी तुम्हारे पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने शीघ्र तुम्हें घर लौटने के लिए कहा है। मैं पुष्प कैलाश में पहुंचाने के बाद ही घर के लिए प्रस्थान करूंगा। हाँ किंतु नंदी, मैंने कहा ना मैं प्रभु के आदेश को टाल नहीं सकता। चाहो तुम एक महान भक्त हो नंदी, और संसार तुम्हें सदैव एक महान भक्त और सेवक के रूप में जानेगा। परंतु तुम्हें भक्ति और सेवा की संपूर्णता का ज्ञान होना अभी शेष है। होता है मेरे श्वास पुनः लौट आए हैं। अब मैं आ गया हूं तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। नंदी तुम अब तक यही हो? नंदी तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? हमें तो लगा था तुम अब तक घर के लिए प्रस्थान कर चुके हो। वो माता, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु प्रभु कैलाश में नहीं है। प्रभु कहाँ है माता? मैं बस ये पुष्प उन्हें दे दूं, उसके पश्चात शीघ्र ही मैं अपने घर की ओर प्रस्थान करूंगा। माता नंदी, महादेव इस समय कहाँ है ये सोचने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। यदि वो यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते जो हम कह रहे हैं। ये पुष्प हमें दे दो। अब तुम शीघ्र ही अपने घर के लिए प्रस्थान करो और व्रत की शेष तैयारियां हम स्वयं कर लेंगे।
बड़ा ही भाग्यशाली हूं मैं। ऐसे परम सुख की अनुभूति हुई है पुत्र। इतना समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। पर पुत्र एक इच्छा शेष है। प्रत्येक रात्रि इन नेत्रों में मीठी नींद की अनुभूति नहीं हो पा रही है। निश्चिंत रहिए, आज आपको सुखद निद्रा अवश्य आएगी। कहीं मैं ये स्वप्न तो नहीं देख रहा? मुझे वचन दो पुत्र, मुझे वचन दो। जब तक मैं नींद से नहीं जागूंगा तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूं, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए। जब तक आपके नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। सो जाइए। कुछ दिख रहा है प्रभु। क्या दिख रहा है नंदी? एक पुत्र ने देखा कि उसके पिता के शीर्ष पर महादेव का हाथ है और उसकी चिंता अर्थहीन थी और एक शिष्य को स्वयं की मूर्खता दिखाई दी क्योंकि उसने ये सोचा कि उसके गुरु व्यस्त है और एक भक्त को यह दिखाई दिया प्रभु कि उसके भगवान का हृदय इतना विशाल है कि भक्त के जन्म सारे कर्म प्रभु के चरणों की उंगली के नख के एक कण में समा सकते हैं। आपने इस अद्भुत क्षण में इतना कुछ दिखा दिया कि मेरे इस बैल बुद्धि में नहीं समाएगा प्रभु। कोई ज्ञानी होता तो इसी क्षण पे पुराण की रचना करता। इस क्षण में मैं धन्य हो गया। ऐसा कहना भी इस अद्भुत क्षण की महानता का अपमान होगा प्रभु। किस अद्भुत क्षण की बात कर रहे हो नंदी?
क्षण तो प्रत्येक अद्भुत होता है, तुम्हें ये क्षण अद्भुत लग रहा है क्योंकि तुम इस क्षण का अनुभव कर रहे हो, किंतु जिस क्षण का तुम्हें अनुभव नहीं होता उस क्षण भी वही होता है जो इस क्षण हो रहा है। भक्ति की यात्रा ऐसी ही है नंदी, जिस क्षण भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है, किंतु जब यह अनुभव उसके मन में नहीं होता है संबंध तो तब भी बना ही रहता है। भक्त और भगवान के संबंध की यही सरलता है रहती। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं, इसलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेकर चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा, प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त नंदी और शिष्य नंदी को सदैव इन तथ्यों का स्मरण रहे और आदृष्ट पुत्र नंदी का पिता के शीश पे हाथ, इसका तुम्हें तब अनुभव होगा जब ये जानो कि मेरा हाथ प्रत्येक क्षण तुम्हारे शीश पे भी है। विश्राम करो नंदी। एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है।